नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 30 मई 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बांसवाड़ा के दौरे पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, तबादला नीति और भर्तियों को लेकर बड़ा इंटरव्यू राजस्थान पत्रिका के साथ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से पत्रिका की विशेष बातचीत। शिक्षा मंत्री बोले, तबादला नीति तैयार, मंजूरी आते ही शुरू होगी प्रक्रिया। नए सत्र में प्री प्राइमरी शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम होगा शुरू। वित्तीय वर्ष में 1,00,000 भर्तियां भी होगी। रीट 2022 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, कंप्यूटर शिक्षक और अन्य भर्तियां। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नवाचार आगामी समय में होंगे, सवाल। सेकंड, संविदा कार्मिकों और पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है। शैक्षिक उन्नयन व विकास को लेकर क्या योजना है। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी के शिक्षकों के तबादलों को लेकर क्या मंशा है और रीट पेपर आउट को लेकर भी शिक्षा मंत्री का बयान। बांसवाड़ा, राजस्थान पत्रिका न्यूज। बांसवाड़ा पहुंचे मंत्री बीडी कल्ला ने नए सत्र से पहले थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर का दिया भरोसा। सीएम पद के अगले चेहरे पर शिक्षा मंत्री बोले, अभी सीट पर गहलोत है, जिसकी सीटिंग है उसी की फिटिंग है। भास्कर के साथ भी इंटरव्यू, भर्तियों और तबादलों को लेकर बांसवाड़ा, भास्कर न्यूज, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर ये विभिन्न समस्याएं बताई। प्रबोधक संघ ने पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा में 2017 के बाद से अब तक प्राथमिक स्तर पर भर्ती नहीं हुई। प्रक्रियाधीन भर्ती में 253 पद बताए जा रहे हैं, ऐसे में इन पदों को बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि 1777 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिली है। रीट 2022 संस्कृत विभाग। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ लेवल फर्स्ट की नियुक्ति, इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। नवज्योति बांसवाड़ा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। पेपर लीक प्रकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों और कोचिंग के पास नहीं होंगे रीट परीक्षा के सेंटर, झालरापाटन, झालावाड़, भास्कर न्यूज। रीट शिक्षक भर्ती 2022 लेवल फर्स्ट के 301 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग, 2 दिन बाद होगी पोस्टिंग। जिला परिषद स्थापना समिति की बैठक कल, चूरू, भास्कर न्यूज। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री कल्ला को सौंपा ज्ञापन, डूंगरपुर, भास्कर न्यूज। प्रधानाचार्य के 50% पदोन्नति एवं 50% पद पर सीधी भर्ती हो, ज्ञापन सौंपा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को। नवज्योति बांसवाड़ा, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की राह में नीति का रोड़ा। कई बार बनी नीति लेकिन प्रारूप बनकर ही रह गई, तलवाड़ा, भास्कर न्यूज। शिक्षक बोले, यूजी पीजी में समान सब्जेक्ट वाले शिक्षकों को ही मिले व्याख्याता पद पर प्रमोशन। पुराने नियमों से सेकंड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी, विरोध शुरू। बीकानेर, शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। राजस्थान लोक सेवा आयोग 45.71% नहीं दी केमिस्ट पदों की परीक्षा, अजमेर, भास्कर। संभाग स्तर से होगी
शुरुआत, बेरोजगारों को नौकरी के लिए तैयार करेंगे स्मार्ट रोजगार कार्यालय। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। सेंटर में ये सेवाएं मिलेगी बेरोजगारों को। केमिस्ट बनने के लिए 45.71% निधि परीक्षा। नवज्योति न्यूज आरपीएससी अजमेर। वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की मांग की। नवज्योति अजमेर। थर्ड ग्रेड पदोन्नति। एसओजी की बड़ी कार्रवाई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला। लीक पेपर हल करने वाले समेत 5 को पकड़ा, अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पत्रिका जयपुर। नियम बदलाव की मांग, शिक्षकों का धरना आज से। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। सेकंड ग्रेड से व्याख्याता। भारी प्रशिक्षण योग्यता की जांच के लिए टीमें गठित। नवज्योति उदयपुर। रीट शिक्षक भर्ती मामला। राजस्थान पत्रिका। राज्य के 70 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क ड्रेस देने की तैयारी। मिड डे मील, दूध वितरण के बाद शिक्षक सिलवाएंगे ड्रेस, विरोध शुरू। सहायक आचार्य पंजाबी के साक्षात्कार आरपीएससी में आज। राजस्थान पत्रिका न्यूज। 55 पदों पर होगी भर्ती। हॉस्पिटल केयर टेकर के ऑनलाइन आवेदन आज से। राजस्थान पत्रिका न्यूज आरपीएससी अजमेर। नई भर्ती। रोजगार संदेश, चिकित्सा विभाग ने चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी। चयन बोर्ड ने कहा 15 अगस्त के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। WNM के 1155, लैब टेक्नीशियन के 900 और रेडियोग्राफर के 800 पदों पर भर्ती होगी। जयपुर भास्कर न्यूज। जल्द घोषित होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं का परिणाम। नवज्योति जोधपुर। शिक्षक 30 मई को घेरेंगे निदेशालय, जोधपुर से शिक्षक करेंगे शिरकत। नवज्योति। JGTU प्राचीन आधुनिकता के संगम के साथ खुलेगा प्रदेश का पहला वैदिक गुरुकुल। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र और कार्रवाई पर DO और CVO आमने सामने। फर्जी डिग्री मामला बांसवाड़ा भास्कर। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी, 4 जून तक कर सकेंगे आवेदन। डूंगरपुर भास्कर। सहकावटी विश्वविद्यालय के एग्जाम शुरू, 5 दिन बाद भी फ्लाइंग टीम के लिए रिलीव नहीं हुए लेक्चर। नतीजा, नकलचियों की धरपकड़ कमजोर। सीकर भास्कर। प्रदेश में 10वीं के 52% बच्चे विज्ञान ज्ञान में औसत से नीचे, 3% है सर्वश्रेष्ठ। झुंझुनू। CBSE अंक अपलोड नहीं, रिजल्ट लेट होगा। श्रीगंगानगर भास्कर न्यूज। शिक्षक भर्ती महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल श्रीगंगानगर।